जब धर्मदास जी काल प्रभावित ज्यादा था, धार्मिक आत्मा अवश्य थी और धार्मिक आत्मा में एक लचीलापन घना होता है। एक आदमी कहता है ऐसा नहीं ऐसा होगा तो सोच लेता है शायद ऐसा ही होगा, लेकिन तब जब तक हम दृढ़ नहीं होते मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तो उसको दृढ़ करने के लिए जैसे धर्मदास जी बीच बीच में कुछ ऐसी ऊटपटांग बातें कर देते थे तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो जाते थे, उसको फिर तड़प जाती थी, फिर रोता था पूरी तरह, फिर वो कथा सुना रहे हैं, रो रहे हैं, रोते भी पुकार रहे हैं। तो जब कह रहे हैं दन दन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, फिर क्या बताते हैं कि आपने नल नील हार दिए थे, थक दिए थे यत्न कर करके, उन पर भी कुछ हुआ था तो आपने सतरेखा लिखी, अपार भगवान ने बताई कि मैंने ऐसे किया था, वो अपनी सच्ची। फिर कहते इंद्रमती द्वापर युग में एक रानी थी, सर्प ने डस लिया था, वह विश्वास करी थी आपसे एकदम डूबता देख जहाज, ऐसे क्या कहा था दामोदर ने कि लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, फिर समुद्र से पार लगाने वाले जहाज को पार कर दिया डूबने लगी। अब क्या कहते हैं कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे पूर्ण करियो आस, तो भगवान अंतर ध्यान हो गए थे, रो रहा था कि मेरे ऊपर ये बड़ी आपत्ति आ गई, आपका अभाव मुझसे सहन नहीं हो रहा है मालिक।